देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो पहला अध्याय और 26वां 26वां श्लोक। तो इसके पहले हमने सुना था कि अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे और लंबे समय तक उन्होंने तपस्या करी, 100 वर्ष तक एक पैर पे खड़े भी रहे। और उनकी इच्छा थी कि उन्हें भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो, लेकिन प्रभुपाद ने कहा उन्हें भगवान की क्लैरिटी नहीं थी कि हु इज गॉड। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम कई बार सुनते हैं, कई बार हम जोक मारते हैं कि एक व्यक्ति एक नाव में है ना, जीसस मतलब ईसाई और मुस्लिम और हिंदू बैठे थे, और जैसे ही नाव डूबने लगी, हिचको लेने लगी, तो क्रिश्चियन ने अपने जीसस क्राइस्ट को याद किया, मुस्लिम ने अल्लाह को याद किया, और हिंदू सोचता ही रह गया कि मैं हनुमान जी को बुलाऊं, शिव जी को बुलाऊं, गणेश जी को बुलाऊं। वो एक को आवाज़ मारता तब तक दूसरे को भी मार देता, तब तक तीसरे को मारता, इसलिए सारे देवता भी कंफ्यूज हो गए, ये बुला किसको रहा है। वो तब तक बेचारा डूब गया। तो उसी तरीके से अत्रि मुनि को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि हु इज़ गॉड, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश या इनसे पहले कोई और। तो इसलिए उनके इस प्रकार पुकारे जाने पर ये तीनों वहाँ पर उपस्थित हो गए और उनको देख नहीं पा रहे थे। देवर डिवाइन, उनकी जो ज्योति थी वो जबरदस्त थी, उन आँखें बंद कर ली। उसके बाद क्या हुआ, कृपावलोकेन हसत वदनेन उपलब्धिताम तत्रोचिता तत्रोचिषा प्रतिहते निमिल्य मुनि यक्षिणी। अत्रि मुनि यह देखकर अत्याधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। और फिर अत्रि उवाच चेत तत् प्रवणम युञ्जन अस्तावयीत संहत अंजलि शलक्षणया सुतया वाचा सर्वलोका गरीयसा। अत्रि उवाचा विश्व उद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमाने माया गुणे अनुयुगम विगृहीत देहाय देहाते ब्रह्म विष्णु गिरीश प्रणतास्मि अहम वा तेभ्य का एव भवताम में इह उपहुता। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे, तो उनका हृदय पहले से इन देवों के प्रति आकृष्ट था, इसलिए तो आए। कुछ ना कुछ था, जैसे हमने बोला, जैसा प्रभुपाद या जैसा हम भगवद गीता में सुनते हैं कि यान्ति देवा व्रतावान व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम किसी भी देवता की पूजा करें बराबर ही तो है, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवल कृष्ण की पूजा करें? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यान्ति देवान व्रता दे यान्ति देवा व्रता देवान। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है। देवलोक इज डिफरेंट, स्वर्गलोक एंड ब्रह्मांड के परे, इस ब्रह्मांड के परे ब्रह्मलोक के भी परे क्या है, वैकुंठ है, गोलोक है, वो अलग है। हाँ तो भगवान कहते हैं कि जो पितरों को पूजने वाला पितरों के पास जाता है। इसलिए अत्रि मुनि के हृदय में इन देवों के प्रति आकर्षण था पहले से ही, इसलिए देवता ही प्रकट हुए। हाँ और ये तीनों देव ही माने जाते हैं। ऑल दो इसमें से जो विष्णु हैं वो भगवान का ही अंश हैं, डायरेक्ट एक्सटेंशन है भगवान की। हाँ लेकिन इज नॉट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ कृष्णा, इज एक्सटेंशन ऑफ कृष्णा। विष्णु जो कि हम सुनते हैं पहले कि सबसे पहले महाविष्णु भगवान बनाते हैं, कृष्ण के अंश के अंश। हाँ संकर्षण इत्यादि जो भी है, बलदेव बलराम जी उनसे संकर्षण महासंकर्षण और जो भी है, उसके बाद महाविष्णु, फिर गर्भोदकसाई विष्णु और फिर जाके शिरोदकसाई विष्णु जो हृदय में परमात्मा के रूप में आते हैं, और ये हैं शिरोदकसाई विष्णु कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जो बाकी दोनों हैं शिव और ब्रह्मा, ये भगवान की हाँ ये देवता कहे जाते हैं अक्सर। तो इस प्रकार से तीनों वहाँ पर आ गए। तो जिस जिस तरह से मतलब क्या किया उन्होंने, एक एक देवता एक एक इन तीनों की एक एक की स्तुति करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा कि हे ब्रह्मा हे विष्णु हे महेश हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार किया है, तो इनको गुणावतार कहते हैं। गुणा अवतार, तीन गुण आप जानते ही ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों को धारण करते हैं भगवान। ध्यान रखिए गुणों को, इनको इनको गुणों का अधिष्ठाता भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये इन गुणों से प्रभावित है ना।
हाँ प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली जीव कह सकते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी क्या है, रजोगुण का के देवता हैं, रजोगुण को धारण करके वो सृष्टि की रचना करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ की क्रिएशन रजोगुण में होती है, इसलिए भगवान के स्पिरिचुअल जगत में क्रिएशन होती नहीं है, वहाँ रजोगुण नहीं है, क्योंकि वहाँ क्रिएटेड है, वहाँ ऑलरेडी वेराइटी है, वहाँ चेंजेस होते हैं। हाँ तो ब्रह्मा जी क्रिएशन, संसार में एनाइलेशन होता है यानी कि संसार का प्रलय आती है, समाप्ति होती है और दोबारा से क्रिएशन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रजोगुण धारण करने की जरूरत पड़ती है क्रिएशन करने के लिए, और इसको समाप्त करने के लिए, प्रलय करने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है जो शिव जी धारण करते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए सतोगुण की, शुद्ध सतोगुण की आवश्यकता होती है जो कि विष्णु धारण करते हैं। वास्तव में विष्णु तीनों गुणों के ऊपर है लेकिन वो इस गुण के द्वारा मेंटेनेंस करते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को अंगीकार किया है और अपने आप को तीन भागों में विभाजित कर लिया है। जैसे कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, क्रिएशन बाय ब्रह्मा, पालन बाय विष्णु, संहार बाय शिव करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने आप अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। इज नॉट वेरी क्लियर कि उसने बुलाया किसको, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, विच मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर कि किसको पुकारना है, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। वी डोंट से गॉड, कहीं पर एक जगह लिखा था इट्स ऑल हिज प्लानिंग, तो भक्तों ने कहा ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ नॉट हिज प्लानिंग, हु इज ही, इट इज़ बेटर टू से दैट इट इज़ ऑल कृष्णाज प्लानिंग। सो वी आर वेरी स्पेसिफिक, वी आर, इसलिए जैसे हम कहते हैं हम केवल ओम से संतुष्ट नहीं होते, माना कि ओम भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है जैसा गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन ओम से भगवान के स्वरूप का कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। जब हम श्याम सुंदर मुरारी कृष्ण बोलते हैं तो उनके स्वरूप का डायरेक्ट अनुभूति होती है। हाँ इस प्रकार से बहुत ही क्लियर गुरु परंपरा के माध्यम से हम सुनते हैं तो हमें क्लियर डेफिनेशन समझ में आती है कि भगवान को कैसे पुकारना है, उनको याद कैसे करना है, क्या नाम लेना है। तो यहाँ पर अत्रि मुनि कह रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर कि मैंने आप में से किसको बुलाया। हाँ उन्हीं से पूछ रहे हैं। तात्पर्य अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान किया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि कौन स्वामी। हाँ और ब्रह्मांड का स्वामी का मतलब क्या हो सकता है, ब्रह्मांड का स्वामी तो वास्तव में शिव जी भी हैं क्योंकि शिव जी यहाँ पर सब कुछ मेंटेन करते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा जी कहेंगे अरे भैया क्रिएट तो मैंने किया था, मैं हूँ स्वामी। और विष्णु कहेंगे जी मैं ही तो मेंटेन कर रहा हूँ, मैं हूँ स्वामी। हाँ तो इन सब के स्वामी के ऊपर कौन स्वामी है, इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, दैट गोविंद इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, सब कारणों के कारण वास्तव में वो गोविंद है, लेकिन इस तरीके से तो पुकारा ही नहीं गया, उन्होंने तो ब्रह्मांड के स्वामी बुला दिया। अब भगवान का स्वामी इनमें से किसको माना जाए, तो वो तीनों ही वहाँ पर आ गए, एक तरह से हमको भी इस दिखाने के लिए कि इस तरह की प्रेयर जो हम गाते हैं, हाँ इस तरह की प्रेयर से न जाने किसको पुकार रहे हैं, हम पुकारने वाले को भी क्लियर नहीं है। हाँ अब इस कौन में आपको मालूम है, जब हम पूजा करते हैं विग्रहों में आपको दिखता होगा कि पुजारी ऐसे ऐसे करके पूजा कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार अगरबत्ती को घुमा रहे हैं, दिया को घुमा रहे हैं, बट वो दिए को घुमाते हुए अगरबत्ती को हमने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता होगा वो धीरे धीरे, क्योंकि सामने खड़े हैं माना राधा कृष्ण नरसिंह भगवान गुरु परंपरा तुलसी महारानी चैतन्य महाप्रभु वगैरह बहुत सारे खड़े हैं। अब मैंने अगरबत्ती घुमाई, अब वो सोचेंगे मेरे पे घुमा रहा है, वो सोचेंगे मेरे पे घुमा रहा है, हाँ तो किस पे घुमा रहा है भाई। तो वहाँ पर भी बोलते हैं ईशा धूपा, हाँ ईशा दीपा, आगे उनका बीज मंत्र बोला जाता है कि किस भगवान को, किस गुरु को हम ये ऑफर कर रहे हैं। इट इज़ दैट मच क्लियर, इतना क्लैरिटी है यहाँ पर कि पुकारा जाना होता है कि नहीं। आप घर में आप बोलो कि खाना खा लो, हाँ अब वो बैठा है अपना गेम खेल रहा है, कोई बैठा अपना अखबार पढ़ रहा है, हाँ तो बोला जाता है अरे इसके रमेश के पापा खाना खा लो, अच्छा मुझे कह रहे हो क्या, अच्छा मुझे लगाए इसको बुला रहे हो, रमेश को बुला रहे हो, है ना। एक्चुअली मैं मानो बहानेबाजी कर रहा हो, लेकिन जब नाम ले लिया जाता है उसको पता लग गया अब तो जाना पड़ेगा भैया। इज ऑलवेज, इसलिए हम लोग कृष्ण का नाम पुकारते हैं। हाँ इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी,
कि किसको जगदीश, ऐसे हम कई बार बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो इट इज़ ओके। हाँ बट एक्चुअली में गॉड हैज़ वेरी ब्यूटीफुल नेम्स, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और ये नाम कोई साधारण नहीं है, इसी राम का नाम लेके वाल्मीकि ने इतनी शक्तियाँ पाई, इसी राम के नाम से हनुमान जी ने वो प्रेम का समुद्र पाया, इसी राम के नाम से समुद्र मंथन, समुद्र में पुल बना, और इसी कृष्ण के नाम से ये सारा हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग पवित्र होते जा रहे हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र से। सो नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन इस नाम की क्लैरिटी ना होने के कारण वो तीनों के तीनों वहाँ पर आ गए, और वो भी उनसे खुद ही पूछने लगे मैंने किसको पुकारा था, क्योंकि पुकारने वाले को भी वास्तव नहीं पता है। और ऐसे ही आजकल हो रहा है कि हम कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम किसको बुला रहे हैं, हु इज़ गॉड, हु इज़ भगवान। इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है हमारे जीवन में, और हम किसी के नहीं रहते हैं क्योंकि हम सबके हो जाते हैं। इसलिए हमें इस कथा से खासतौर पर समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और समझना पड़ेगा कि वट इज़ द नेम ऑफ गॉड, उनको कैसे पुकारा जाए, उनके साथ कैसे पर्सनल रिलेशनशिप बनाया जाए, वन टू वन रिलेशनशिप, दैट इज एज टोल्ड बाई श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।